जय गणेश। मैं हूं नरेश एस्ट्रोलॉजर और आज का ये वीडियो है मकर राशि के लिए जनवरी 2017 कैसा रहेगा उसके बारे में। सबसे पहले बात करेंगे आपके राशि के अधिपति ग्रह शनि ग्रह के बारे में। तो शनि ग्रह जो है वो आपकी राशि से चल रहे हैं 11वें स्थान के अंदर 26 जनवरी 2017 तक। 26 जनवरी 2017 के बाद शनि चलेंगे आपकी राशि से 12वें स्थान में यानी कि धनु राशि में। तो यहाँ से आपको 7:30 स्टार्ट होती है जो आपके लिए सामान्यतः शुभ नहीं माने जाएंगे, क्योंकि जो पहला 2.5 साल का तबक्का रहता है इसमें शनि 12वें स्थान में चलते हैं। जब शनि 12वें स्थान में चलते हैं तो कौटुंबिक एवं आर्थिक बाबतों में विशेष केयर करना पड़ता है। फाइनेंशियल थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, फैमिली में प्रॉब्लम हो सकता है, जॉब में प्रॉब्लम हो सकता है और भाग्योदय में आप रुकावट महसूस करेंगे। तो 26 जनवरी 2017 को शनि महाराज राशि परिवर्तन कर रहे हैं, इसके लिए क्या तोड़ है, क्या उपाय है, वो भी आपको हम बताते हैं। प्रिडिक्शन अभी जारी है अन्य ग्रहों के बारे में। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने मित्रों को या अपने रिलेटिव्स को भी सब्सक्राइब जरूर करवाएं ताकि आप नए नए प्रिडिक्शन से माहितगार हो सकें। यदि आप कोई फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल प्लस इत्यादि सोशल मीडिया से कनेक्टेड है तो अपनी इन माध्यमों के द्वारा अपने मित्रों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। यदि आपके कोई मित्र है मकर राशि वाले तो ये वीडियो आप उनको जरूर शेयर करें। बात करेंगे प्रेडिक्शन में सूर्य ग्रह के बारे में। तो ग्रह मंडल के राजा ग्रह जो है वो सूर्य ग्रह है। तो सूर्य ग्रह का जो भ्रमण है वो 14 जनवरी 2017 तक धनु राशि के अंदर है यानी कि राशि से 12वें स्थान के अंदर है। 12वें स्थान के अंदर सूर्य ग्रह का भ्रमण शुभ नहीं माना गया है। कौटुंबिक एवं आर्थिक मसलों में और खास करके गवर्नमेंट रिलेटेड मैटर के अंदर आपको विशेष केयर करना होगा। आंखों की विशेष केयर करें और फादर के साथ रिलेशनशिप में तनाव ना आ जाए उसका केयर करना होगा। 14 जनवरी 2017 को सुबह 7:37 को इंडिया टाइम पर सूर्य महाराज राशि परिवर्तन करेंगे और चलेंगे आपकी राशि के अंदर। मकर राशि में चलने वाले सूर्य आपके लिए सामान्यतः मध्यम फलदायी कहलाएंगे क्योंकि 12वें स्थान में थे उससे तो ये शुभ है, लेकिन इससे ज़्यादा शुभ नहीं है क्योंकि जो भी जातक मैरिड है इनके लिए थोड़ा ज़्यादा टेक केयर करना होगा। दाम्पत्य जीवन में पार्टनर के साथ दरार ना हो जाए, तकरार ना हो जाए, टेंशन क्रिएट ना हो जाए उसका खास केयर करना होगा 14 जनवरी 2017 के बाद। बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। तो मंगल ग्रह का जो भ्रमण है वो कुंभ राशि में है। मंगल आपके धनस्थान के अंदर चल रहे हैं जो 20 जनवरी 2017 तक हैं वो भी आपके लिए सामान्यतः शुभ नहीं है। जब मंगल चलते हैं धनस्थान के अंदर तो वाणी में संयम बरतना बहुत जरूरी रहता है और खास करके कुटुंब के अंदर आंखों के भी विशेष केयर करें। 20 जनवरी 2017 के बाद चलेंगे मंगल पराक्रम स्थान के अंदर जो आपके लिए शुभ बनने वाले हैं। नए साहस करवाएंगे, नए साहस से आपको लाभ भी रहेगा। बात करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। तो गुरु ग्रह का भ्रमण भाग्य स्थान के अंदर है जो आपके लिए शुभ है। जन्म के चंद्र के साथ 9 पंचम योग करते हैं जो आपके लिए शुभ है। शुक्र ग्रह का भी भ्रमण मकर कुंभ राशि में है जो आपके लिए शुभ है। कुटुंब सुख धन सुख में वृद्धि करने वाले हैं और लव मैटर में सक्सेस देने वाले हैं। शुक्र ग्रह का भ्रमण 27 जनवरी 2017 तक है। 27 जनवरी के बाद शुक्र चलेंगे पराक्रम स्थान में जो भी आपके लिए शुभ है, नए साहस करवाएंगे, लव मैटर में सक्सेस देने वाले हैं। बुध ग्रह का भ्रमण आपके लिए राशि से 12वें स्थान में है धनु राशि के अंदर। 12वें स्थान में बुध ग्रह का भ्रमण शुभ नहीं है तो कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में ना लें, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जब बुध 12वें स्थान में चलते हैं तो बुद्धि उल्टे मार्ग पर चलती है। तो ऐसी सिचुएशन में खास करके कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन जल्दबाजी में ना लें। राहु ग्रह का भ्रमण अष्टम स्थान में शुभ नहीं है तो वाहन चलाने में विशेष केयर करें। केतु ग्रह का भ्रमण धन स्थान के अंदर है तो वाणी में संयम बरतें खास करके कुटुंब के अंदर और आंखों की विशेष केयर करें। डेट्स आपको टेक केयर करना है इस मंथ के अंदर वो इस प्रकार है। 15 और 16 जिसके अंदर चंद्र चलेंगे सिंह राशि में, तो सिंह के चंद्र जो है यहाँ राहु के साथ चलेंगे क्योंकि राहु भी ऑलरेडी यहाँ पर सिंह राशि में चल रहे हैं। तो ऐसी ग्रहण योग की सिचुएशन के अंदर जब चंद्र राहु अष्टम स्थान में से आपके पास हो रहे हो ऐसी सिचुएशन के अंदर व्हीकल ड्राइविंग खास करके केयर करें, पानी से सावधान रहें और कौटुंबिक एवं फाइनेंशियल मैटर के अंदर आप विशेष केयर करें।
और डेट्स आपको टेक केयर करना होगा 24, 25 और 26, जिसके अंदर चंद्र चलेंगे धनु राशि में। तो धनु के चंद्र राशि से 12वें स्थान के अंदर चलेंगे, 12वें चंद्र के अंदर भी कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। यदि आपके कोई मित्र हैं मकर राशि वाले तो ये वीडियो आप उनको जरूर शेयर करें, कॉमेंट्स करें चैनल पर, कॉमेंट्स करें वीडियो पर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।